नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल स्टडी विद हेमंत यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे जियोग्राफी, क्या कह सकते हैं, भूगोल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कक्षा 12वीं के लिए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जापान में सूती वस्त्र उद्योग केंद्रित होने के क्या कारण हैं। तो जो कारण बताने हैं, जापान में जो सूती वस्त्र उद्योग क्यों केंद्रित हैं, तो यह हमारा प्रश्न रहा है। उसका उत्तर है कि यहाँ समतीक्षण एवं नम जलवायु उद्योग एवं परिश्रम दोनों के लिए अनुकूल है। तो जो जापान में जो जलवायु होती है समशीतोष्ण होती है, जो परिश्रम के लिए अनुकूल होती है, ठीक है दोस्तों। और इसका दूसरा पॉइंट है, यहाँ सस्ती जल विद्युत शक्ति प्राप्त है, यानी कि जल विद्युत कैसी सस्ती प्राप्त है, ठीक है दोस्तों। और कोयला चीन से आयात किया जाता है, और जो जापान में होता है कोयला कहाँ से, चीन से आयात किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तीसरा, यहाँ श्रमिक सस्ते परिश्रमी एवं कुशल होते हैं। तो जो जापान के जो श्रमिक होते हैं सस्ते होते हैं, यानी उनमें ज़्यादा खर्चा नहीं होता, और परिश्रमी भी होते हैं यानी मेहनत ज़्यादा करते हैं, और कुशल भी होते हैं यानी कि उन्हें अच्छा काम करना भी आता है। चौथा है, यहाँ के कारखानों में नए एवं उत्तम ढंग के यंत्र लगे होते हैं। तो जापान तकनीक के मामले में बहुत आगे है, इस कारण यहाँ के जो कारखाने में नए एवं उत्तम ढंग के यंत्र लगे होते हैं, यानी जो आधुनिक तकनीक है उनका ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ सूती वस्त्र उद्योग सहकारी संगठन पर आधारित हैं। तो जो सूती वस्त्र उद्योग सहकारी संगठन पर आधारित हैं, ठीक है दोस्तों। और जो हमारा लास्ट पॉइंट है, चीन भारत एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के विस्तृत बाजार समीप है। तो जो भारत एवं जो दक्षिण पूर्वी एशिया के विस्तृत बाजार समीप है, जो चीन और भारत जो भारत है ना, जापान से काफ़ी समीप है दक्षिण एशिया का बाजार। तो यह मुख्य कारण है कि जापान में सूती वस्त्र उद्योग केंद्रित होने के कारण, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, कृषि में नई तकनीक के प्रयोग से कौन कौन से प्रभाव हुए हैं। जो कृषि में हमने नई तकनीक अपनाई है उनसे क्या प्रभाव हुए हैं, तो हमें बताना है, ठीक है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं इसका भी आंसर। तो क्या है, तो नई तकनीक के प्रयोग से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। तो जो हमने नई तकनीक अपनाई है उसके कारण क्या हुआ है, जो कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है, ठीक है दोस्तों। और दूसरा, इसके प्रयोग से उत्पादन लागत में कमी आई है, यानी कि जो हम उत्पादन लगाते हैं किसी कार्य को करने में उसमें भी कमी आई है, ठीक है दोस्तों, ये दूसरा पॉइंट होगा। तीसरा, नई तकनीक से किसानों की आय बढ़ने लगी है। जो नई तकनीक का जो हमने उपयोग किया है, इससे जो किसान है ना उनकी आय बढ़ने लगी है। जिससे किसानों की आय बढ़ती है तो इससे देश को बहुत अच्छा लाभ होता है, तो मुख्य पॉइंट है तीसरा, ठीक है दोस्तों। अब चौथा पॉइंट है, चौथा है, कृषि में मशीनों के प्रयोग से समय और श्रम दोनों में बचत होने लगी है, यानी कि जो समय भी कम लगने लगा है और श्रम भी, मतलब कि जो नई तकनीक से श्रम भी कम होने लगा है, ठीक है दोस्तों। पांचवा, मशीनी यंत्र के प्रयोग से किसानों की क्षमता बढ़ने लगी है। तो मशीनों के प्रयोग से किसानों की जो क्षमता है बढ़ने लगी है। और छठा है, नई तकनीक से किसानों की प्रकृति पर निर्भरता कम होने लगी, यानी कि अब जो काम किसान स्वयं करते थे अब वो मशीनों के माध्यम से करवा लेते हैं, जिससे जो उत्पादन है उनमें भी ज़्यादा वृद्धि हुई है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। तो यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, ग्रीन रिजोल्यूशन, ठीक है दोस्तों। तो क्या है हरित क्रांति, तो हरित क्रांति से आशय उत्पादन के माध्यम से उत्पादकता में वृद्धि करने से, यानी कि जो उत्पादन में जो वृद्धि हो जाती है उसमें हरित क्रांति के अंतर्गत आते हैं। हरित क्रांति के परिस्वरूप भारत में उत्पादन 1951 की तुलना में 3 गुना अधिक हो गया है। जो उत्पादन भारत में बढ़ा है 1951 की तुलना में किस कारण हुआ है, तो वो हरित क्रांति के कारण हुआ है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या में क्या अंतर है। तो यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या में। चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। तो क्या ग्रामीण जनसंख्या गांव में रहती है, तो बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा सरल है, इसे याद करने की तक जरूरत नहीं, बस आप समझ लीजिए। तो जो ग्रामीण जनसंख्या का मतलब क्या है, ग्रामीण में रहने वाली जनसंख्या और नगरीय यानी नगर में रहने वाली। तो यह पॉइंट तो क्लियर हो गया, ग्रामीण जनसंख्या यानी जो ग्रामीण में रहे और नगरीय जनसंख्या यानी नगर में रहे। तो ग्रामों की आवासीय संरचना अव्यवस्थित होती है, यानी कि आवास
जो रहते हैं घरों में वो क्या होती है, संरचना अव्यवस्थित होती है, जबकि नगरी जो नगरों की होती है शहरी संरचना व्यवस्थित होती है, बिल्कुल सही तरीके से व्यवस्थित रहती है। और अधिकांश ग्रामीण जनसंख्या प्राथमिक व्यवसाय में लगी होती है, जो ग्रामीण जनसंख्या होती है वो क्या प्राथमिक व्यवसाय में लगी होती है, यानी कृषि कह सकते हैं, कृषि में ज़्यादातर ग्रामीण जनसंख्या रहती है, और अधिकांश नगरीय जनसंख्या होती है द्वितीयक एवं तृतीयक व्यवसाय में लगी होती है। और जो चौथा पॉइंट है, ग्रामीण जनसंख्या सामाजिक संबंधों की दृढ़ता देखने को मिलती है, जो सामाजिक संबंधों की दृढ़ता देखने को ग्रामीण जनसंख्या में बहुत ज़्यादा मिलती है, इतनी शहरों में कम मिलती है। लेकिन वो जो नगरीय जनसंख्या में सामाजिक संबंध औपचारिक होते हैं, यानी जो नगर में जो लोग रहते हैं वो औपचारिक रूप से सामाजिक संबंधों का पालन करते हैं। नेक्स्ट है गाँव की आवास, गाँव में आवास की कोई समस्या नहीं होती। हाँ, तो यह तो बिल्कुल सही पॉइंट है, गाँव में आवास की कोई समस्या नहीं होती, जबकि नगरों में आवास की बड़ी समस्या होती है। ठीक है दोस्तों, क्या जो नगर होते हैं नगरों में आवास की बड़ी समस्या होती है। तो मेन ये पॉइंट है चार, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, उपग्रह संचार से आप क्या समझते हैं। तो यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उपग्रह संचार। तो उपग्रह संचार मानव बुद्धि का अनोखा चमत्कार एवं आविष्कार है। इसमें सौर ग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले उपग्रह एवं चंद्रमा के समान विशेष तकनीक की सहायता से मानव के द्वारा कृत्रिम उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो इसमें क्या है, जो उपग्रह एवं चंद्रमा के समान विशेष तकनीक का प्रयोग किया जाता है, इन उपग्रहों को शक्तिशाली जो रॉकेट होते हैं उनकी सहायता से अंतरिक्ष में स्थापित किया जाता है उपग्रह संचार को। ठीक है दोस्तों, और ये अपनी निर्धारित कक्षा में परिक्रमा करते हैं। इस यंत्र में शक्तिशाली टेलीविजन कैमरे लगे होते हैं और सौर पट्टियां भी लगी होती हैं, जिससे इन्हें सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उपग्रह संचार क्या है। ठीक है दोस्तों, आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एमपी बोर्ड के स्टूडेंटों के लिए। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट इसकी आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ जाकर डाउनलोड जरूर करें। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, स्वेज नहर और पनामा नहर में अंतर। तो कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो यह क्या है, स्वेज नहर जो है यह नहर मिस्र के अधिकार में, स्वेज नहर किसके अधिकार में, मिस्र। ठीक है दोस्तों, यह देश है इसके अधिकार में, और पनामा नहर यह नहर मध्य अमेरिका के अधिकार में, किसके, मध्य अमेरिका के। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, इस नहर का निर्माण 1869 में हुआ था, यानी कि 1869 में स्वेज नहर का निर्माण हुआ था, और जबकि जो पनामा नहर है इस नहर का निर्माण 1904 में हुआ था, यानी कि 1904 में हुआ था, और यह नहर भूमध्य सागर को लाल सागर जोड़ती है। तो आपको याद रखना है कि जो स्वेज नहर है वह किसको किस में किसको जोड़ती है, जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, और जो जो पनामा नहर है यह क्या करती है, प्रशांत महासागर को अंध महासागर हिंद होगा यहाँ पर जोड़ती है। ठीक है दोस्तों, चौथा, इस के निर्माण में 1,80,00,000 पौंड धनराशि व्यय होती। तो स्वेज नहर में कितनी धनराशि व्यय होती, 1,80,00,000 पौंड धनराशि व्यय हुई थी, और जबकि जो पनामा नहर है इसके निर्माण में 75 करोड़, ठीक है दोस्तों, कितने 75 करोड़ पौंड धनराशि व्यय हुई थी, बहुत ज़्यादा हुई थी इसकी तुलना में, इसमें 1 करोड़ हुई थी, 80 लाख इसमें 75 करोड़ की धनराशि व्यय हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यह नहर 156 किलोमीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी एवं 11 मीटर गहरी है, जिसके कारण एक बार में केवल एक जहाज आ जा सकता है, यानी कि इसमें एक बार में एक ही जहाज आ सकता है और जा सकता है, जबकि जो पनामा नहर है यह नहर 82 किलोमीटर लंबी, 100 से 300 किलोमीटर चौड़ी और 12 मीटर गहरी है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और अधिक जानकारी के लिए आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं SKT, वहाँ पर आपको नोट्स PDF सब प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो जाकर जरूर गूगल पर सर्च करें SKT, या नीचे गई लिंक से PDF डाउनलोड जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।